पूरी सियासत है पीटीआई की वो इस चीज़ पे बेस करती है कि कौन सी तकरीरी कब हो रही है। अब इन्होंने जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं। जब भी वो अदालत में जाता है उसको थोक के हिसाब से जमानत मिलती है। हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान के सहूलतकार चले गए, अब यह अदलिया पर तकिया किया बैठा है। इनकी सियासत तकर्रियों के गिर्द घूमती है, पेश भी नहीं होते, अदालतों पर हमले किए फिर भी थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं। कौन है जो इसे बचा रहा है? पहली बार पता चला कि बेगमात के कहने पर भी फैसले होते हैं। मरियम नवाज का लॉयर्स विंग के अहदेदारों से खिताब, कहा जनरल बाजवा ने इमरान खान को मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते लेकिन इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ समेत 5 मुकदमात। इमरान खान अबूरी जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जमानतें हासिल करने की दरखास्त करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है आज पेशी की कोई इत्तला नहीं, अदालती अहकामात की रोशनी में ही सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। माजी का तर्ज अमल अपनाया गया तो बिला तफरीक कानूनी तरीके बरूए कार लाएंगे। इस्लामाबाद में हंगामा आरई का केस, सीटीडी इस्लामाबाद ने इमरान खान समेत पीटीआई के 17 रहनुमाओं को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। मुराद सईद, आमिर कियानी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, असद उमर, फर्रुख हबीब, हमाद अजहर और असद कैसर के नाम शामिल। शामिल तफ्तीश ना होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका खत सदारत के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, यक तरफा खत पीटीआई की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। इंतजामी इख्तियार के इस्तेमाल में वजीर आजम सदर से मशवरे का पाबंद नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को जवाबी खत, लिखा आपने ये सब इमरान खान की अना और तकबर की तस्कीन के लिए किया। आपने जमाती वाबस्तगी के बायस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले नजरअंदाज किए। एक बार भी इमरान खान की अदालती हुक्म दूली और तामील कराने वालों पर हमलों की मजम्मत नहीं की। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। आप इस मुल्क में ना सिलेक्ट होकर आ सकते हैं और ना इलेक्ट होकर आ सकते हैं। इमरान खान के सारे मसले नफसियाती हैं। लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है। 10 नकाती एजेंडा, इस पे 10 चपेड़े पड़नी चाहिए। इमरान खान इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं, अब वो सिलेक्ट या इलेक्ट होकर नहीं आ सकते। लाहौर के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान के साइफर, लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक, अदालतों पर हमले और धमकियों के तमाशे अंजाम को पहुंच चुके। अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दें तो मनी लॉन्ड्रिंग खुद काबू में आ जाएगी। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए मुअस्सर साबित होगा। रमजान का महीना अहम होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी बोले जिस तरीके से हुकूमत चल रही है ये पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में ढलवा देंगे। सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है, पाकिस्तान में आईन नजर नहीं आ रहा। आसिफ अली जरदारी तबीयत में बेहतरी के बाद दुबई के अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। साबिक सदर 2 दिन से अस्पताल में जेर इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद की इयादत की। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 35 से 40 यूनियन कमेटीज में 40 वोट भुगताए गए। 66 यूसीज में नतायज तब्दील किए गए। सिराजुल हक का चीफ जस्टिस को अस खुद नोटिस के लिए खत, लिखा बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही जियाला मेयर आने का कहा जा रहा था। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर इंतखाबी अमले की तैनाती की गई। आरोज ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। सिंध के 15 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक खैरपुर, शिकारपुर और नवाबशाह में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मारा। जैकबाबाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, मीरपुर खास और बदीन में भी जियाले कामयाब। हैदराबाद में प्राइमरी स्कूल रजिया सुल्ताना के पोलिंग स्टेशन में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा, शहरियों के मसाइल सुने, खुसूसी अफराद से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतर इंतजामात पर मुल्तान इंतजामिया की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने बहावलपुर में भी मुफ्त आटे की तकसीम के स्टॉल्स का जायजा लिया, लोगों में खुद आटा तकसीम किया, बुजुर्ग और खवातीन को तरजीही बुनियादों पर आटा फराहम करने का हुक्म दिया। हजारों करोड़ों रमजान की पुरनूर सातों में खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान का समा, मेजबान मदीहा नकवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया। खवातीन के हकूक पर उलमाए कराम की गुफ्तगू, सेगमेंट बनो समा की आवाज में नौजवानों ने नात पेश की। करम आज बालाए बाम गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, राजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। यूक्रेन जंग के बाद रूस का एक और बड़ा फैसला, बेलारूस में एटमी हथियार रखने का मुआहदा कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, अमेरिका ने भी यूरोप में एटमी हथियार नस्ब कर रखे हैं। दूसरे T20 में पाकिस्तान के 131 रन के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, 96 रन बनाए, पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ा गए, सिफर पर दो खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक T20 इंटरनेशनल में लगातार चौथी बार खाता खोले बगैर आउट हुए, इमाद वसीम ने 64 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम की क्यादत टॉम लेथम करेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज अप्रैल में लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी। सेंचुरियम में तारीख साज T20, जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 259 रन के हदफ का कामयाब ताकुब किया, तारीख रकम कर दी। मैच में मजबूती तौर पर 517 रन का रिकॉर्ड बन गया। पावर प्ले में रिकॉर्ड 102 रन बने। डीकॉक ने 43 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। दुबई में घोड़ रेस का आलमी कप, जापान के घोड़े उशबा टिसोरो ने मैदान मार लिया। घोड़े के मालिक योगा कवाडा को $12 मिलियन का इनाम दिया गया।